नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं आप लोगों की खिदमत में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे टिंडा खाने के फायदे या फिर टिंडे की सब्जी खाने से क्या क्या शरीर को बेनिफिट्स मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, गोल और हरे रंग सी दिखने वाली सब्जी जिसे हम टिंडा, जिसे बेबी पम्पकिन और एप्पल गोट के नाम से भी जाना जाता है, ये साउथ एशिया में खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे लोगों को इसका स्वाद कुछ खास पसंद नहीं होता, इसलिए यह सब्जी के रूप में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इसमें सेहत से जुड़े कई सारे फायदे छिपे हैं जिन्हें जानने के बाद ज़्यादातर लोग इसे खाना ज़रूर पसंद करेंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए जानते हैं उन फायदों को। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को टिंडे के रस का सेवन करना चाहिए, यह उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें ऐसे बहुत सारे तत्व मौजूद होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। दोस्तों, टिंडे में 84% पानी की मात्रा होती है, जो मोटापा कम करने के लिए भी सहायक मानी जाती है। तो ब्रेकफास्ट और ओवर डाइटिंग के कारण बढ़ने वाले मोटापे को रोकने के लिए रोज़ाना सुबह टिंडे का जूस आपको ज़रूर पीना चाहिए। टिंडे का जूस पीकर वजन को आप काफ़ी हद तक कंट्रोल में रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, टिंडे में मौजूद फाइबर की मात्रा पाचन क्रिया को सही रखने में मददगार होती है। इसकी सब्जी गैस, कब्ज, अपच जैसी समस्याओं को दूर रखती है। इसके सेवन से पेट की अंदरूनी सफाई भी हो जाती है। गर्मियों में मसालेदार खाना खाने के कारण होने वाली एसिडिटी, डायरिया और डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम को भी टिंडा दूर रखता है। इसके अलावा दोस्तों, आंतों की सेहत के लिहाज से टिंडा काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। इसमें मौजूद पानी की पर्याप्त मात्रा यूरिन इन्फेक्शन आपको बचाएगी, साथ ही ब्लड प्यूरिफायर का भी ये काम करेगी। इससे शरीर में होने वाले कई रोगों से बचा जा सकता है, यहां तक कि इसे खाकर बुखार से भी आपको राहत मिल सकती है। टिंडे में प्रति 100 ग्राम में 21 कैलोरी होती है। हार्ट हेल्थ के लिए बैलेंस डाइट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट किसी भी मात्रा में दिल की बीमारियों का कारण बन सकती है। तो दोस्तों, इस लिहाज से टिंडा दिल की बीमारियों को भी आपसे दूर रखता है। इसके अलावा दोस्तों, जोड़ों की अगर आप लोगों को समस्या है तो सुबह सुबह सूजन आना आपके लिए एक आम बात होगी। यहाँ तक कि चोट आने पर भी शरीर पर नीले निशान पड़ जाते हैं और उनमें सूजन आ जाती है। तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए टिंडे का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, यह आपको सूजन से राहत जरूर देगा। इसके अलावा दोस्तों, टिंडे में कैरोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो चेहरे पर दिखने वाले दाग धब्बे, झुर्रियों को भी दूर रखता है, साथ ही स्किन इन्फेक्शन से भी आपको बचाता है। उम्र के साथ चेहरे पर बारीक लाइंस बनने लगती है, जो असमय बुढ़ापे का कारण होती है। इन्हें दूर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कम जरूर किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, टिंडे में 24 ml फास्फोरस, 0.4 ml थियामिन और 0.08 ml रिबाफ्लेविन की मात्रा होती है, जो बॉडी को हेल्दी रखने के साथ उसे कई प्रकार के कैंसर से बचाती है, खास तौर पर महिलाओं को होने वाले ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर से। तो दोस्तों, देखा आपने एक टिंडा किस प्रकार सेहत के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है, कितना बेनिफिशियल साबित होता है और किसी कितने इसके स्वास्थ्यवर्धक गुण और फायदे आपको मिलते हैं। तो देर किस बात की, अगर टिंडा खाने से आप लोगों को चिढ़ मिसती है तो टिंडा सेहत के लिहाज से बहुत फायदेमंद होता है, आप लोग इसे खा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी टिंडे के बारे में जानकारी, टिंडे की सब्जी खाने के क्या क्या फायदे होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके